न्यूज़वार्म का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त प्रियंका। इसरो का चंद्रयान 2 अप्रैल को प्रक्षेपण किया जाएगा। इस चंद्र मिशन के रोवर को दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा। चंद्र के दक्षिणी ध्रुव को अभी ज्यादा जानना समझा नहीं गया है। अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष का अनुसंधान संगठन का चंद्रयान 2 अप्रैल को प्रक्षेपित किया जाएगा। मैं पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। इसरो के अध्यक्ष नवनियुक्त सिवन ने बताया कि भारत के दूसरे चंद्र मिशन की लागत 800 करोड़ रुपए है। इस चंद्र मिशन के रोवर को अभी दक्षिण ध्रुव की ज्यादा जान समझ नहीं है। संवाददाताओं को बताया कि भारत अप्रैल में चंद्रयान परीक्षण करने जा रहा है। चंद्रमा 1 मिशन के तहत इसरो ने चांद पर पानी देखा था। चंद्रयान 2 इस परियोजना का विस्तार है जिसमें को चांद पर उतारने के समान है। चंद्रयान 2 इसरो का पहला अंतरग्रह मिशन है जो किसी खगोलीय पिंड पर एक रोवर उतारेगा। मिशन के परीक्षण पर सिवन ने कहा कि निश्चित तारीख अप्रैल है। यदि हम अप्रैल में परीक्षण नहीं कर पाते हैं तो नवंबर में करेंगे। दक्षिणी ध्रुव के पास रोवर उतारने का कारण पूछे जाने पर सिवन ने कहा कि यह काफी दुर्गम क्षेत्र है जहाँ चट्टाने लाखों साल पहले बनी थी। उन्होंने कहा कि ये मशीनों द्वारा इस क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अतीत में ज्यादातर चंद्र मशीनों ने चांद की विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र का ही अध्ययन किया था। ये थी एसएमएस की रिपोर्ट। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप पा सके हमारी हर खबर और हर वीडियो सबसे पहले।